डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। एक अमेजिंग पोएम है, एक ब्यूटीफुल पोएम है जिसे लिखा है पोइट ममंग दाई इन्होंने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है क्योंकि 2023 के जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12th इंग्लिश के, उसमें पॉसिबिलिटी है, चांस है कि ये पोएम आएगी, पूछी जाएगी। ओके, आज की जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। काफ़ी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मैं यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करूँगा, और अच्छी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी देखेंगे। अगर आप लोग अच्छे से पोएम को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, तभी आप इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिख पाओगे। ओके, 12th इंग्लिश एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंपेयर राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, समरी राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, ऑलमोस्ट इन सभी की हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है। अगर ये लेक्चर्स आप लोग नहीं देख पाए हैं तो हमारा जो चैनल है JEFR जावेद इंग्लिश फॉर यू, इस पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी HSC 2023 एग्जाम्स महाराष्ट्र बोर्ड, यहाँ पर आप रिलेटेड लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 80 मार्क्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के, वो भी सॉल्व करके रखा हूँ, और एक गेस्ट पेपर है, पॉसिबिलिटी है कि उस गेस्ट पेपर में से काफ़ी कुछ पूछा जाएगा। आप लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए वो वाला पेपर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग पोइट्स के बारे में देखते हैं जिन्होंने इस अमेजिंग पोइम को लिखा है। शी इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडियन तो वो हैं ममंग दाई, और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से हैं। इन हर पोइम्स शी टॉक्स अबाउट हाउ हर रीजन वॉज डिस्ट्रॉयड बाई डिवेलपमेंट। उनकी ज़्यादातर पोइम्स में वो बताती हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने छोटे छोटे गाँव को डिस्ट्रॉय कर रखा है। एंड दिस पोइम इज़ अबाउट द सेम, और ये पोइम भी जो है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, ये भी इसी टॉपिक पर है कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने या ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर को डिस्ट्रॉय कर रखा है। ओके, ये देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। पोइट कहती हैं कि जो स्मॉल टाउन्स हैं, छोटे छोटे जो गांव हैं, वो मुझे याद दिलाते हैं। किस चीज़ की याद दिलाते हैं? डेथ, यानी मौत की, मरने की। माई होम टाउन, होम टाउन ऐसे गाँव को कहते हैं जो आपका वतन है, जहाँ आप पैदा हुए थे। ओके, तो होम टाउन वतन। माई होम टाउन लाइज कामली अमिडस्ट द ट्रीज। पोइट कहती हैं कि मेरा जो गाँव है वो बिल्कुल शांत है। कहाँ पर? अमिड्स द ट्रीज, यानी ट्रीज के बीच में। इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर। ये गांव ऐसे ही है, एज इट इज़ है, चाहे सर्दियों का मौसम हो, विंटर्स हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, समर्स हो। अब यहाँ पर देखिए, एक फिगर ऑफ स्पीच को पोइट ने यूज़ किया है, काफ़ी अमेजिंग फिगर ऑफ स्पीच है, उसका नाम है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समर एंड विंटर, तो एग्जाम्स में इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। विथ द डस्ट फ्लाइंग, और उनका जो गांव है पोइट का, वहाँ पर डस्ट उड़ती रहती है। और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉज, और हवा उड़ती रहती है या हवा चलती रहती है। हाउलिंग डाउन यानी शाउट वेरी लाउडली, हवा इस तरह से चलती है कि उसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। कहाँ पर चलती है? गॉज, GORGE, गॉज यानी वैली, वादी में इस तरह की हवा चलती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, और पोइट कहती हैं कि अभी उस दिन की बात है कि किसी की हमारे गांव में डेथ हो गई। इन द ड्रेडफुल साइलेंस, ड्रेडफुल यानी भयानक, साइलेंस यानी खामोशी, इस भयानक खामोशी में वी वेप्ट, हम लोगों ने रोया। WEEP वीप, वीप यानी रोना, और WEPT वेप्ट यानी हम लोगों ने रोया। लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूब रोजेस, देखते हुए, किस चीज़ को देखते हुए उन्होंने रोया? रीत, रीत कहते हैं फूलों की माला को। सर्कल ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की माला किस चीज़ की थी? ट्यूब रोजेस, ट्यूब रोजेस यानी एक तरह के फूल होते हैं जिन्हें रजनीगंधा फ्लावर्स कहते हैं। लाइफ एंड डेथ, अभी अभी मैंने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। अब देखिए, ये वाली लाइफ एंड डेथ, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन ये पूरी लाइन अगर आप लोग देखते हैं, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, तो
इसमें एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो तीन वर्ड्स है ये यहाँ पर रिपीट हुए हैं। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, लेखिका कहती हैं कि केवल रिचुअल्स जो हैं, रस्म रिवाज हैं, सिर्फ वही परमानेंट है, वही बाकी हैं, बाकी सब ने ख़त्म हो जाना है। आगे देखते हैं हम लोग। द रिवर हैज़ अ सोल, उनके गांव में एक नदी है। लेखिका कहती हैं, पोइट कहती हैं कि उस नदी में एक आत्मा है, यानी नदी को जीवित बता रही हैं, वो लिविंग बीइंग बता रही हैं। ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ये पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे बताया जाता है कि वो लिविंग थिंग है, जैसे आत्मा, आत्मा लिविंग बीइंग्स में होती है, लेकिन यहाँ पर एक रिवर में बताई जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड, और गर्मियों की अगर हम बात करें तो ये नदी ज़मीन को कट करती हुई आगे जाती है। लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ, जिस तरह से एक टोरेंट ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, और टोरेंट यानी एयर या वाटर का जो प्रेशर होता है उसे हम टोरेंट कहते हैं। किस तरह से आगे जाती है, जिस तरह से एक दुख का मान लो टोरेंट होता है, उस तरह से sometimes I think it holds its breath, कभी कभी पोइट को लगता है कि नदी अपनी सांस रोक लेती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान से सुनो। लेखिका को कभी कभी लगता है कि नदी अपनी सांस रोक लेती है। क्यों रोक लेती है? Seeking a land of fish and stars, ताकि नदी ढूंढ सके ऐसी ज़मीन जो उसकी मछलियों के लिए ठीक हो, ठीक है, और जिसमें स्टार्स का रिफ्लेक्शन दिखाई दे। मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ। आप एक रोड से जा रहे हो और आपके सामने एक ट्रक आता है जिसमें से काफ़ी धुआं निकल रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सांस रोक लेते हो, बराबर है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये पोल्यूटेड एयर आपके बॉडी में जाए, आपके लंग्स में जाए। ठीक वैसे ही नदी कहीं दूर से बहती हुई आ रही है, लेकिन जब लेखिका के गांव से वो गुजरती है तब नदी थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोके रखती है। क्यों? ताकि आगे उसे अच्छी लैंड मिले, अच्छी ज़मीन मिले, और वहाँ पर उसकी जो मछलियाँ हैं अच्छे से रह सकें, और वहाँ का पानी प्योर होगा, वहाँ पोल्यूशन कम होगा, तो स्टार्स का जो रिफ्लेक्शन है, जो अक्स है, ठीक है, जो छाया है, वो उसके पानी में दिखेगी। पोइट के गाँव में पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर नदी में ना तो फिश के लिए सेफ्टी है और ना तो स्टार्स का रिफ्लेक्शन उस गंदे पानी में दिखाई देता है, इसलिए नदी ने अपनी सांस रोक कर रखी है। द रिवर हैज़ अ सोल, उस नदी के पास एक आत्मा है, या नदी में एक आत्मा है। इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन, और ये जानती है, नदी ये जानती है, और स्ट्रेच यानी ये फैली हुई है, आगे जा रही है। पास्ट द टाउन यानी लेखिका के गाँव से होते हुए। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, बारिश का जो पहला कतरा गिरा था, जो पहला ड्रॉप गिरा था, वहाँ से लेकर के टू ड्राई अर्थ, इस सूखी ज़मीन तक के। एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, और जो पहाड़ी है, लेखिका के गांव के पास एक माउंटेन है, उसके ऊपर क्या हुआ है, कुछ मिस्ट है। मिस्ट कहते हैं कोहरे को, धुंध को, सर्दियों के दिनों में नहीं सफ़ेद धुआं हो जाता है, उसे हम लोग मिस्ट कहते हैं। द रिवर नोज द इमोर्टैलिटी ऑफ वाटर, इमोर्टैलिटी यानी हमेशा रहना, कभी डेथ नहीं होना। लेखिका इस वाले पोर्शन में नदी को इमोर्टल बताती है कि ये हमेशा रहने वाली है, और जो पहला कतरा बारिश का गिरा था वहाँ से तो आगे जहाँ सूखी ज़मीन है वहाँ तक, और माउंटेन टॉप्स की हम लोग बात करें तो वहाँ पर मिस्ट है, कोहरा है। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, श्राइन कहते हैं हम लोग किसी की कब्र को, ऐसी जगह जहाँ पे कोई दफन है, ओके। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, लेखिका यहाँ पर अपने गांव को बता रही है कि यहाँ पर काफ़ी हैप्पी पिक्चर्स हैं, यानी पुरानी जो लेखिका की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, कब की, उसके बचपन की। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर, और छोटे छोटे जो गांव हैं वो ग्रो होते हैं एंग्जाइटी को लेकर, बेचैनी को लेकर, किस बात की एंग्जाइटी, फ्यूचर की। द डेथ आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, लेखिका के गाँव में जिन लोगों की डेथ हो जाती है उन लोगों को किस तरह से लिटाया जाता है, सुलाया जाता है, रखा जाता है, पॉइंटिंग वेस्ट, क्यों ऐसे सुलाया जाता है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन है. इन अरुणाचल प्रदेश सम पीपल बिलीव दैट डेथ गो टवर्ड्स द सन. इंडिया का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का ऐसा बिलीफ है कि जो डेड पीपल होते हैं वो बाद में सन की तरफ जाते हैं, सूरज की तरफ जाते हैं. दैट्स वाई दे बैरी देयर डेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. इसीलिए वो उनके यहाँ जो भी डेथ होती है तो उन लोगों को इस तरह से लिटाते हैं या सुलाते हैं, पॉइंटिंग टू द वेस्ट. व्हेन सोल राइजेस, और मरने के बाद फिर जब आत्मा बॉडी से बाहर आती है, इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, तो फिर ये सीधे सीधे ईस्ट की तरफ जाती है, इनटू द हाउस ऑफ द सन, सूरज के घर की तरफ ही जाती है. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. इन द कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस. और वहाँ बाम्बू है गांव में, किस तरह के कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट, और सनलाइट में गोया ये फिर से जीवित हुए हैं, अच्छे हुए हैं. लाइफ मैटर्स, यहाँ पर लाइफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइक दिस, इस तरह से, इस हिसाब से. इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स. इस तरह के छोटे छोटे जो गांव हैं जिनके पास से नदी बहती है, हम सब चाहते हैं चलना. किसके साथ चलना? गॉड्स के साथ चलना. ममंग भाई, इन्होंने इस अमेजिंग पोइम को लिखा है. हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, रिवर इज अ लिविंग थिंग इन द पोइम जस्टिफाई. इस कविता में, इस पोइम में रिवर को एक लिविंग थिंग बताया गया है, इसे जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो. हम लोग इस तरह का आंसर लिख सकते हैं, द रिवर इज फ्लोइंग विथ ग्रीफ, कि नदी बह रही है और दुखी होकर बह रही है. दुखी होना किसकी बात है? लिविंग बीइंग की बात है. देयर इज अ स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ एंड इमोशंस इन इट, और उस नदी के अंदर मानो एक तूफान है, दुख का तूफान है, इमोशंस हैं. इमोशंस भी ह्यूमन बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या एनिमल्स का होता है. एट वन पॉइंट द रिवर इज सेट टू बी होल्डिंग इट्स ब्रेथ. एक जगह पोइम में लेखिका कहती हैं कि नदी ने अपनी सांस रोके रखी है. ये बात भी लिविंग बीइंग्स की है, सांस रोकना. मे बी बिकॉज इट इज चॉक्ड विद फिल्थ एंड डर्ट, शायद इसलिए नदी ने सांस रोके रखी है क्योंकि उसकी सांस अटक रही है धूल की वजह से, गंदगी की वजह से. लाइक पीपल समटाइम्स होल्ड देयर ब्रेथ इन स्मोक, जिस तरह से लोग अपनी सांस रोके रखते हैं धुएं में. Maybe the river has also held its breath for a land of fish and stars. हो सकता है नदी ने भी अपनी सांस इसलिए रोकी रखी हो ताकि अगले गांव में, अगली जगह उसे प्योर वाटर मिल सके जो उसकी मछलियों के लिए ठीक हो, और जहां पे स्टार्स का रिफ्लेक्शन दिखाई दे. याद रखें, महाराष्ट्र बोर्ड ने 12th इंग्लिश से और 10th इंग्लिश से WH questions को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है. What, when, who, where, which, how, why, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेगी. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिवर इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में रिवर के बारे में बताओ. हम लोग लिख सकते हैं, द रिवर हैज़ नॉट ओनली फोर्स बट ऑल्सो लाइफ एंड सोल. ये नदी में केवल फोर्स है ऐसा नहीं है, फोर्स के साथ साथ सोल भी है, एक आत्मा है, जीवन है उसके अंदर. As we humans sometimes hold our breath, जैसे कि हम इंसान लोग कभी कभी हमारी सांस रोके रखते हैं. The river has also held its breath, searching for the light land, for the right land. नदी ने भी ठीक इसी तरह से अपनी सांस रोके रखी है ताकि उसे अच्छी सी जमीन मिल सके. It wants to reflect stars into it. नदी चाहती है कि स्टार्स का रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे. And for that, it will need fresh and clear water. और उसके लिए नदी को clear water लगेगा, fresh water लगेगा. इस तरह से आप लोग लिख सकते हो. दो मार्क्स के लिए जो questions होंगे उन्हें चार पांच lines, पांच छह lines के आसपास आप लोगों ने लिखना है. Question है, compose यानी लिखिए four lines on nature of your own. Nature पर आपकी खुद की चार lines आपने लिखनी है. आप इस तरह से लिख सकते हो, nature, oh nature, You are wonderful. नेचर, तुम कितने वंडरफुल हो, कितने बढ़िया हो. अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने जो एंड का वर्ड रखा है वंडरफुल, बाद में ब्यूटीफुल उससे राइम हुआ है. तीसरे वाला जो रखा है हमने यू, तो इसको अगर छोड़ दें तो चौथे वाला उससे
राइम हुआ है, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड ऑफुल। तो ये ए ए बी ए, इस तरह की राइमिंग स्कीम यहाँ पर बनेगी। ओके, व्हेन आई एम विथ यू आई एम ब्यूटीफुल, जब मैं नेचर के साथ रहता हूँ तो मैं और भी सुंदर होता हूँ। आई प्रोटेक्ट, आई विल केयर फॉर यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, नेचर से कहा जा रहा है। डिस्ट्रॉइंग यू इज मेकिंग आवर लाइव्स ऑफुल, और नेचर को डिस्ट्रॉय करना तो क्या है, हमारी लाइव्स को ऑफुल बनाना है, भयानक बनाना है। इस तरह से अपनी खुद की लाइन्स आप लोग कंपोज कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में 2 मार्क्स के लिए होता है। सो दैट्स इट, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखने के लिए आपका शुक्रिया।